तो फाइनली गाइस आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि हम आए थे वृंदावन। तो रात भर तो हमने सोए भी नहीं थे, हम में से मतलब कोई भी नहीं सोया था। अभी फटाफट उठे सब कोई, अपने मतलब फ्रेश हुए, नहाए धोए और वापस निकल लिए हैं वृंदावन घूमने के लिए, क्योंकि हमें आज ये पूरा स्क्रॉल करना है, आज पूरा घूमना है और फिर कल हमें को कहीं और भी निकलना है। और यहाँ तो मेन रोड में ही इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, मतलब लग रहा है जैसे मेला लगा हो। यहाँ आपको दिखाता हूँ, गाइस तो हम पैदल चलते चलते अब तक पहुंच गए हैं प्रेम मंदिर, आपको दिखाता हूं। तो वो है सामने प्रेम मंदिर। चलो आपको आगे अंदर जाके दिखाते हैं क्या है कैसा है। पता नहीं अंदर की एंट्री है कि नहीं, क्योंकि 12 बज गया है और गेट भी बंद हो जाता है। हमने तो कहा था भाई जब तक मंदिर नहीं खुलेगा तब तक नहीं लगवाएंगे। और हमारे बीनू भाई भी तो बीनू भाई रंगे तो भाई अच्छे से लगा हुआ भाई को एकदम भाई। यहाँ पे हमें मिल गया बीनू भाई के एक सब्सक्राइबर। भाई का मेरे भी लगा दिए एकदम। भाई बीनू भाई का सब्सक्राइबर बहुत जल्दी बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। हम आए तो थे प्रेम मंदिर घूमने, बट 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाती है, तो मंदिर तो बंद ही हो गई है। तो अभी जाते हैं, एक सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है वहाँ पास कुछ खाते हैं, क्योंकि भूख भी जोरों से लगी है। और किशन भैया क्या खाओगे आप? जो भी आप खाओगे आपके साथ। तो चलिए चलते हैं। तो हो गया, बस बीनू भी यही अकेले बचे हुए हैं, बाकी सबके सब उठ गए। आम की रसीली गोली वेरी स्लोली। तो गाइस तो हम लोग आ गए थे प्रेम मंदिर से वापस, क्योंकि प्रेम मंदिर हो गया था बंद, तो अब जाएंगे वापस से। और हमने कल पूरी रात से सोए भी नहीं थे, तो आज आके आराम से सोए हैं, अभी ठीक है, अब जाके आपको दिखाते हैं। तो हम एक बार फिर प्रेम मंदिर तो पहुँचे, बट शाम के 4 बजे और गेट अभी भी बंद है, क्योंकि गेट खुलेगी शाम के 5 बजे और हमारे पास 1 घंटा टाइम है। तो हम कहीं और जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं जा कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। हम पहले जाएंगे निधिवन, क्योंकि हमें पता चला है कि वो बस शाम के 6 बजे तक ही खुला रहता है, तो पहले वहाँ होके आते हैं। तो निधिवन यहाँ से कितना दूर है हमें खुद को नहीं पता। भैया निधिवन यहाँ से कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर दूर है। 1.5 किलोमीटर दूर है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये हम आ गए कुंज गलियों में और यहाँ पास तो रिक्शा भी जवाब दे दिया, इतनी भीड़ है, इतनी पतली गली है ना, आगे जा ही नहीं पाएगा। तो यहाँ से हम पैदल जाने वाले हैं। ये है यहाँ की कुंज गलियाँ। देखिए यहाँ की क्राउड, इतना तो मुझे पता चल गया था कि आगे मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा। क्या बात, मिल गया विनू भाई का सब्सक्राइबर। शुभम कहाँ से हो भाई? यूपी अमरोहा। अमरोहा भाई, ये तो अमरोहा से हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है, पड़ोसी है ये तो हमारे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? विनू भाई साथ में हमारे, ये उनके सब्सक्राइबर हैं।
फाइनली बहुत मुश्किल से दर्शन तो हो गए। वहाँ से गेट बनते तो वो दिखा रहा था कि मैं यहाँ पे कुआ है, तो वो कुआ नहीं भाई कुंड है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको प्रॉपर दिखाया जाएगा, आप देखिए जरा ये बांसुरी से खोदा था, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये बांसुरी से खोदा गया था नहीं भाई, आपको दिख रहा होगा तो क्लियर, मैं आपको अच्छे से अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये। मेरे को तो डिटेल बताना पड़ ही नहीं रहा है, प्रशांत भैया पूरा बता दे रहे हैं। मेरा काम ऐसे ही हो जा रहा है। मेरे को अभी पता चला कि 6 बजे के बाद यहाँ की गेट क्लोज क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि ये जितने भी वृक्ष हैं ये सब गोपियाँ हैं और यहाँ पास रात को रासलीला किया जाता है, तो रात के टाइम में यहाँ आना बंद है। फाइनली गाइस वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग आपको दिखाऊंगा प्रेम मंदिर जाने के बाद और बाकी बिहारी मंदिर भी जाने वाले हैं। तो फिलहाल तो मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। ब्लॉग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।